हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो में हम गणेश जी की कंप्लीट आउटलाइन में कलरिंग करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पर डॉम्स के कलर पेंसिल का यूज करेंगे। एंड इससे पहले हमने पार्ट वन में स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन को ड्रॉ करके दिखाया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक आउटलाइन की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आउटलाइन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख लेना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंप्लीट फेस में कलरिंग करने के लिए रेफरेंस फोटो में डार्क एरियाज को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके, सिंपली जहां पर भी एकदम से ज्यादा डार्क एरियाज है, मैं सिंपली वहां पर ब्राउन कलर का यूज करके थोड़ा प्रेशर देकर शेड करूंगा। जैसे कि आई, आईब्रो, नोज एंड लिप्स में जहां पर भी एकदम से ज्यादा डार्क एरियाज है, मैं सिंपली यहां पर ब्राउन कलर का यूज करके थोड़ा प्रेशर देकर शेड कर रहा हूं। एंड गाइस, जहां पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज है, मैं उन हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली हाईलाइट एरियाज को छोड़कर बाकी कंप्लीट फेस में मैं सिंपली सबसे पहले ब्राउन कलर का यूज करके कलरिंग कर रहा हूं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर सबसे पहले ब्राउन कलर का यूज करके कंप्लीट ड्राइंग में कलरिंग कर दी है। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली वैसे ही मैं रेफरेंस फोटो में हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली हाईलाइट एरियाज को छोड़कर बाकी वैसे ही मैं कंप्लीट फेस में कलरिंग करने के लिए सिंपली ऑरेंज कलर का यूज करके कलरिंग कर रहा हूँ। एंड गाइज, ऑरेंज कलर से भी कंप्लीट कलरिंग कर देने के बाद अब मुझे रेफरेंस फोटो में जहां पर भी और ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहां पर रेड कलर का यूज करके कलरिंग कर दूंगा। एंड गाइज, इसके बाद अगर आप लोग रेफरेंस फोटो में अच्छी तरीके से देखोगे तो रेड कलर के ऊपर थोड़ा पिंक कलर है, तो मैं सिंपली यहाँ पर पिंक कलर का यूज करके भी कलरिंग कर रहा हूँ। इसके बाद अब मैं सिंपली लास्ट में रेफरेंस फोटो में जहाँ पर भी मुझे एकदम से ब्लैक पार्ट दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहाँ पर अब डायरेक्ट ब्लैक कलर का यूज करके कलरिंग कर दूंगा। तो सिंपली ब्लैक कलर से कंप्लीट कलरिंग कर देने के बाद अब मुझे रेफरेंस फोटो में जैसे कि और ज्यादा सा रेड सा इफेक्ट दिख रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर दोबारा से रेड कलर का यूज करके कलरिंग कर रहा हूँ। एंड सिंपली आप लोगों को इसी तरीके से रेफरेंस फोटो में कलर को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली आप लोगों को रेफरेंस फोटो में जो भी कलर है सिंपली उसी कलर का यूज करके आप लोगों को अपनी ड्रॉइंग में कलरिंग कर लेना है। तो गाइज, मैंने यहाँ पर कंप्लीट फेस में कंप्लीट कलर को अप्लाई कर दिया है। इसके बाद मैं सिंपली इन सभी कलर्स को आपस में ब्लेंड करने के लिए सिंपली व्हाइट कलर का यूज करके बिल्कुल लो प्रेशर देकर कंप्लीट शेडिंग को आपस में ब्लेंड कर रहा हूँ। बाकी गाइज, आप लोगों को सिंपली रेफरेंस फोटो में कलर को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है, सिंपली आप लोगों को उसी कलर का यूज करके सिंपली अपनी ड्रॉइंग शीट में भी कलरिंग कर देना है। एंड आप लोग सिंपली इस वीडियो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके देखो कि मैं किस तरीके से सिंपली रेफरेंस फोटो में कलर को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली किस तरीके से ड्रॉइंग में कलरिंग कर रहा हूँ, आप लोग इजिली समझ जाओगे।